सामाजिक विद्वेष का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले तीन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया। भिवंडी में सामाजिक विद्वेष का वीडियो बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करने वाले तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। ये फर्जी वीडियो एक समुदाय विशेष को नौकरी से निकालने एवं इमारत को खाली करने के लिए बनाया गया था। वीडियो की जांच और पुष्टि के बाद पड़गा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बाप गांव देवरुख परिसर में सोशल मीडिया पर दरार पैदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के युवकों को नौकरी से निकालने एवं एक इमारत से उन्हें निकालने का फर्जी वीडियो बनाया गया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा था। आपकी नजरों से भी ये वीडियो जरूर गुजरा होगा। इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए गणेशपुरी विभाग के पुलिस उपाध्यक्ष प्रशांत ढोले एवं पड़गा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप गीते ने पड़गा पुलिस द्वारा वीडियो के प्रामाणिकता की पुष्टि की। DYSP प्रशांत ढोले ने बताया कि पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि जिस इमारत में कर्मचारी रहते थे उसका ड्रेनेज लाइन जाम हो गया था। उसके ड्रेनेज लाइन के काम न करने के कारण इमारत का गंदा पानी पास के खेतों में चला जाता था जिससे पूरे परिसर में दुर्गंध फैल गई थी। साथ ही इमारत में रहने वाले कर्मचारियों ने परिसर में ही कूड़ा कचरा फेंकना भी शुरू कर दिया था जिससे परिसर में रहने वाले आसपास के नागरिकों को परेशानी हो रही थी, जिसके लिए वहां के नागरिकों ने कंपनी प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए नाले और कचरे की बदबू को देखते हुए इमारत खाली करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद उस इमारत में रहने वाले कर्मचारियों को हटा दिया गया था। उस इमारत से दूसरी इमारत में रहने के लिए जा रहे कर्मचारियों का वीडियो कुछ असामाजिक तत्वों ने बनाकर उसे सामाजिक विद्वेष पैदा करने के उद्देश्य से वायरल कर दिया। इस वीडियो को लेकर ग्रामीण इलाकों में काफी खलबली मची हुई है। इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने के बाद पड़गा पुलिस ने उन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले और वीडियो बनाने वाले और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।